Good morning, everyone. Myself Puneet Agrawal. Today I am explaining you chapter number 2, managing files and folders in Windows 10, part 1. Students, I divided this chapter into some parts. So I am explaining you some of the topics on this chapter. Now the first topic is Windows 10 desktop. As you see on the screen, students, you know, whenever you turn on the computer, it starts booting. This means the operating system gets loaded in the RAM. And then the Windows 10 welcome screen appears. After a few seconds, the final screen appears. The final screen is called the desktop. The desktop in Windows 10 is the main interface between the user and the computer. The screen has many components such as start menu, taskbar, background, and icons. बच्चों जब कभी आप कंप्यूटर को जैसे ही टर्न ऑन करते हैं तो कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है. बूटिंग कहते हैं कंप्यूटर का स्टार्ट होना. दिस मींस इसका मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में लोड होने लगता है और उसके बाद जो भी विंडो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, जैसे यहाँ पर विंडोज 10 है, तो उसकी वेलकम स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है और कुछ सेकेंड्स बाद फाइनल स्क्रीन आपको देखने को मिलती है. तो स्टूडेंट्स, इस फाइनल स्क्रीन को ही डेस्कटॉप कहा जाता है. विंडोज 10 में जो डेस्कटॉप है, यहाँ पर एक मेन इंटरफेस हमारे लिए क्रिएट करता है. विंडोज 10 यूजर्स और कंप्यूटर, इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस बनाता है, जिससे कि यूजर कौन है, हम सभी जो हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, और जिससे कि हम कंप्यूटर पर यूज कर सकें, एक ऐसा इंटरफेस बनाता है विंडोज 10, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम. स्क्रीन के कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे कि स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, बैकग्राउंड और आइकन्स. आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टार्ट बटन यहाँ पर आपको बॉटम लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है और यहाँ पर एरो का निशान बना हुआ है, एरो मार्क आप देख सकते हैं, स्टार्ट बटन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ इसे स्टार्ट बटन कहा जाता है. आइकन्स ये जो आपके सामने हैं, जैसे माय पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, ये सभी क्या हैं, दीज आर द आइकन्स. और यहाँ एरो लगा हुआ है और आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डेस्कटॉप बैकग्राउंड. तो जो फर्स्ट स्क्रीन है हमारी यहाँ पर, जो डेस्कटॉप स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है. और नीचे बॉटम साइड में जो एक आपको यहाँ पर एक लंबी पट्टी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं टास्क बार. आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेट किया हुआ है इसमें स्क्रीन पर, जो डायग्राम आपके सामने है. व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है. स्टार्ट मेन्यू हैज टू पेन्स. स्टार्ट मेन्यू के टू पेन्स होते हैं इसमें. द लेफ्ट पेन डिस्प्लेज एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर. यहाँ पर जो आप देखते हैं स्टार्ट मेन्यू के टू पेन्स होते हैं और जो लेफ्ट पेन होता है उसमें अल्फाबेटिकल लिस्ट होती है सभी प्रोग्राम्स की जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड होते हैं, जबकि राइट पेन जो होता है उसमें टाइल्स हुआ करती हैं. आपको ये क्लियर हो जाएगा. अब आप देख सकते हैं, देखिए जैसे हम इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, जो बॉटम लेफ्ट साइड में आपके सामने स्क्रीन पर है, इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें अल्फाबेटिकली काफी सारे प्रोग्राम्स आपके सामने हैं कि मैं आपको
कर्सर की हेल्प से शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दीज आर द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स विच आर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। एंड जो राइट पेन होता है राइट हैंड साइड में, इसमें यहाँ जो आप देख सकते हैं यहाँ पर होता है राइट पेन, और राइट पेन में इन्हें बोलते हैं हम टाइल्स। देखिए लेफ्ट पेन यहाँ पर शो किया गया है, मार्क करके आप इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं राइट पेन, इसको भी मार्क किया गया है। लाइव टाइल्स आर शॉर्टकट्स ऑफ एप्लीकेशंस। बच्चों लाइव टाइल्स एप्लीकेशंस के शॉर्टकट्स होते हैं। दीज टाइल्स डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सच एज वेदर, न्यूज, कैलेंडर एंड ईमेल मैसेजेस। ये जो भी टाइल्स आपके सामने हैं इनमें इस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे वेदर इंफॉर्मेशन, न्यूज इंफॉर्मेशन, कैलेंडर, ईमेल मैसेजेस एटसेट्रा। There are some games tiles which you can click to play. यहाँ पर कुछ game tiles भी हो सकती हैं जिन पर आप क्लिक करके डायरेक्टली उन्हें प्ले कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इट मीन्स कि जो प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड हैं वो राइट पेन में आपको शो होते हैं अल्फाबेटिकली, और जो आपका यहाँ पर राइट पेन है वहाँ पर आपको टाइल्स फॉर्म में ये प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं जिन्हें आप आइकन्स की फॉर्म में देखते हैं, टाइल्स की फॉर्म में। और वहाँ पर आप डायरेक्टली क्लिक करके उन शॉर्टकट पर, जैसे ही क्लिक करेंगे किसी भी शॉर्टकट पर, उसे ओपन किया जा सकता है। एंड स्टूडेंट्स यू कैन ऐड, रिमूव एंड रिसाइज टाइल्स। आप चाहें तो टाइल्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और रिसाइज भी कर सकते हैं, यानी कि इट्स डिपेंड ऑन अवर सेल्फ्स। तो आइए बात करते हैं एडिंग अ टाइल। अगर हमें एक टाइल को ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे? To add a tile to start menu, follow the given steps. टाइल को ऐड कराने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप वन, क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू। हमें यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं स्टार्ट मेन्यू टॉप बॉटम लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। बॉटम लेफ्ट साइड में आपको स्टार्ट मेन्यू दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। दिस इज स्टेप वन एंड देन स्टेप टू, कॉल द नेम ऑफ ऐप और प्रोग्राम। आपको यहाँ से जो भी ऐप या प्रोग्राम है उसको स्क्रॉल करना होगा। राइट क्लिक ऑन द ऐप, राइट क्लिक ऑन द ऐप यू वांट टू ऐड टू स्टार्ट मेन्यू। और आप क्या करेंगे, ऐप पर आप राइट क्लिक ऑन द ऐप यू वांट टू ऐड टू स्टार्ट मेन्यू। आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट मेन्यू पर जिसे ऐड कराना चाहते हैं उस ऐप को, उस ऐप पर आप राइट क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट पिन टू स्टार्ट। अब स्टूडेंट्स जैसे आपको जिस प्रोग्राम को भी टाइल में ऐड कराना है टाइल की फॉर्म में, तो आपने राइट क्लिक किया, उस पर राइट क्लिक करने पर आप देख सकते हैं एक ऐसी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपके सामने ओपन होगा और उसमें ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको पिन टू स्टार्ट। इस पिन टू स्टार्ट ऑप्शन को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो जो भी सेलेक्टेड ऐप है वो आपको लाइव टाइल में दिखने लगेगी। स्टूडेंट्स आपने सीखा किस तरह से हम एक टाइल को ऐड कराते हैं।
अब हम बात करते हैं रिसाइजिंग अ टाइल। अगर टाइल को रिसाइज करना हो तो कैसे रिसाइज करेंगे? यू कैन रिसाइज टाइल्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। रिसाइज अ टाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं टाइल को, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप इज राइट क्लिक ऑन द टाइल। देखिए जो भी किसी भी पार्टिकुलर टाइल को आप जिसे रिसाइज करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर एक लिस्ट आपके सामने होगी, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपके सामने होगा। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ देना है, सेकेंड ऑप्शन आपको दिखाई देगा रिसाइज। आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द साइज ऑफ योर चॉइस, द टाइल विल बी रिसाइज्ड। और आपको क्या करना होगा, यहाँ से अपनी चॉइस से आप यहाँ पर साइज को सेलेक्ट कर लेंगे और टाइल वहां पर रिसाइज हो जाएगी। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रिसाइज पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर टू ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, और जैसे कि फर्स्ट है स्मॉल और सेकेंड है मीडियम। Which one is best? You can select according to your choice. इस तरह से बच्चों आप रिसाइज कर सकते हैं किसी भी टाइल को। अब हम बात करते हैं रिमूविंग अ टाइल। अगर हमें एक टाइल को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? तो रिमूव अ टाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर हम एक टाइल को रिमूव करना चाहते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप वन, राइट क्लिक ऑन द टाइल। सिमिलरली जैसे आपने अभी रिसाइज करने के लिए स्टेप फॉलो किया, वही स्टेप आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। चूज द ऑप्शन अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, द टाइल विल बी रिमूव। बच्चों आपने पिन फ्रॉम स्टार्ट किया था, पिन टू स्टार्ट, तो पिन टू स्टार्ट करने पर क्या हुआ था कि वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगी, जो टाइल थी वो ऐड हो गई। अब अनपिन फ्रॉम स्टार्ट करने पर ये जो टाइल है यहाँ से रिमूव हो जाएगी, जो फर्स्ट ऑप्शन है आप इसे यहाँ से चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ द सेपरेट टॉपिक इज आइकन्स। बच्चों आइकन क्या होते हैं, तो आपको बता दूं कि आइकन आर स्मॉल इमेजेस, आइकन्स आर स्मॉल इमेजेस और सिंबल्स विद नेम्स दैट रिप्रेजेंट प्रोग्राम्स, फोल्डर्स, फाइल्स। आइकन्स जो होते हैं वो स्मॉल इमेजेस होती हैं, यानी छोटी छोटी इमेजेस, और सिंबल्स नेम्स के साथ में जो कि रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम, फोल्डर और फाइल्स को। मोस्ट ऑफ द आइकन्स आर शॉर्टकट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर लाइक दिस पीसी, रिसाइकल बिन एटसेट्रा। मोस्टली जो आइकन्स हैं उनके शॉर्टकट्स आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो इंस्टॉल्ड होते हैं आपके कंप्यूटर पर वो आपको शो होते हैं, जैसे दिस पीसी, रिसाइकल बिन एटसेट्रा। यू जस्ट हैव टू क्लिक द आइकन एंड द एसोसिएटेड प्रोग्राम फाइल और फोल्डर ओपन। हमें जिस किसी आइकन को ओपन करना होता है, प्रोग्राम को ओपन करना होता है, तो उसके लिए हम उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके उसे फाइल और फोल्डर को या किसी प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के आइकन्स, जैसे दिस पीसी, रिसाइकल बिन, ये आपको आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं। जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पर कंप्यूटर फैसिलिटी है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम पर देख सकते हैं। When you click on this PC icon, it opens a window which displays all the files and folders on your computer. आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ही आप this PC icon पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाती है जो डिस्प्ले करती है सभी फाइल्स और फोल्डर्स को आपके कंप्यूटर पर। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि
जो भी फाइल और फोल्डर्स हैं आपके कंप्यूटर पर, ये सभी इस तरह से आपके सामने शो होने लगते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज फाइल एक्सप्लोरर, वेयर यू कैन क्रिएट, रीनेम, कॉपी, मूव, डिलीट एंड सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स. स्टूडेंट्स, इसे फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है, जहां पर आप फाइल और फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, कॉपी, मूव, डिलीट, ये सारे ऑप्शंस यहां पर आप परफॉर्म कर सकते हैं. इन सभी एक्शंस को परफॉर्म किया जा सकता है. अब हम बात करते हैं टास्क बार के बारे में. टास्क बार, इट इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. बच्चों, डेस्कटॉप के बॉटम साइड में एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड होता है. आपको मैं माउस कर्सर की हेल्प से शो कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं. इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम यहाँ पर टास्क बार. इट इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. इट हेल्प्स टू मैनेज वेरियस करंटली एक्टिव प्रोग्राम्स. और ये हमारी हेल्प करता है कि जो भी हमारे करंटली एक्टिव प्रोग्राम्स हैं उन्हें हम मैनेज कर सकते हैं आसानी से, ओपन इन डिफरेंट विंडोज, जो कि अलग अलग विंडोज में हमारे सामने ओपन होते हैं. तो जो हमारे द्वारा की गई ओपन की हुई एप्लीकेशंस हैं उन्हें मैनेज करने के लिए हम टास्क बार का यूज करते हैं. पिन एन एप्लीकेशन टू द टास्क बार. टू पिन एन एप्लीकेशन टू द टास्क बार फॉलो द गिवन स्टेप्स. अगर हम किसी एप्लीकेशन को टास्क बार पर पिन करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. जैसे कि स्टेप वन, टाइप एंड सर्च द नेम ऑफ एप्लीकेशन यू वांट टू पिन इन द सर्च बॉक्स. फॉर एग्जांपल, हियर वी सर्च फॉर वर्ड. बच्चों, अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें एक फीचर मिलता है कॉर्टाना. यहाँ पर हम सर्च टूल है ये, इसमें हम कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं. अगर हमें हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कोई भी एप्लीकेशन नहीं मिल रही है तो यहाँ डायरेक्टली टाइप करेंगे और हम सर्च कर लेंगे. तो जैसे हमें यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर वर्ड टाइप करके सर्च करना है. देखिए, जैसे ही हमने WORD टाइप किया, यहाँ पर सबसे ऊपर हमें वर्ड 2016 लिखा हुआ मिला. और क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द एप्लीकेशन नेम इन द रिजल्ट, अ मेन्यू विद ऑप्शन विल अपियर. यहाँ पर हमें एक मेन्यू मिल जाता है ऑप्शंस के साथ में. जैसे इस पर राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट पिन टू द टास्क बार ऑप्शन. अब देखिए, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है पिन टू द टास्क बार. ऊपर से आप फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं, सेलेक्ट पिन टू द टास्क बार ऑप्शन, द एप्लीकेशन आइकन अपियर्स इन द टास्क बार. आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे. इसी तरह से आप इसे अनपिन भी कर सकते हैं, अनपिन एन एप्लीकेशन फ्रॉम द टास्क बार. Where you pin many applications, the taskbar becomes cluttered. So you need to unpin some applications. Unpin an application, follow the given steps. जैसे अभी आपने taskbar पर किसी भी application को pin किया, यानी उस पर set किया, इसी तरह से आप उसको unpin भी कर सकते हैं. इसके लिए कुछ steps follow करने होंगे. The first step is right click on the application icon on the taskbar. अब देखिए, जो हमने word जो हमने add कराया था, ये taskbar पर नीचे हमें show हो रहा है. यहाँ पर हमें राइट क्लिक करना होगा. राइट क्लिक करते ही अ पॉपअप मेन्यू विल अपीयर. ये जो पॉपअप मेन्यू आपके सामने ओपन हुआ है, यहाँ से क्या करेंगे, सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, सेलेक्ट द अनपिन फ्रॉम टास्क बार ऑप्शन. यहाँ पर देखिए, अनपिन फ्रॉम टास्क बार सबसे नीचे दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे. और ऐसा करने से द आइकन विल बी रिमूव फ्रॉम द टास्क बार. जो आइकन आपने यहाँ से अनपिन कराया है वो रिमूव हो जाएगा टास्क बार से. Moving the taskbar, you can change the position of the taskbar and place it at any one of the four sides of the screen. Follow these steps. आप चाहें तो बच्चों taskbar की position को भी change कर सकते हैं और इसे place कर सकते हैं any of four sides of the screen. आप screen के चारों side कहीं भी इसको set कर सकते हैं. इसके लिए कुछ steps follow करने होंगे. First step is right click on the taskbar and uncheck the lock the taskbar option by clicking on it. Taskbar पर राइट क्लिक करेंगे और लॉक द टास्क बार के नाम से आपको एक ऑप्शन दिखेगा. आप इस ऑप्शन को यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस पर क्लिक कर देंगे. देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक द टास्क बार. इस पर अनचेक कर देंगे इसको. आप अनचेक करने के बाद में क्या होगा, नाउ क्लिक ऑन द टास्क बार एंड ड्रैग इट टू एनी साइड ऑफ द स्क्रीन.
यानी लॉक करने से टास्क बार को अगर हम लॉक कर दें तो ये कहीं भी मूव नहीं हो सकता। और अगर हम इस चेकबॉक्स को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हम यहाँ से फ्री हो जाते हैं कि हम कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हटकर ये राइट साइड में प्लेस हो गया। इस तरह से हम टास्क बार की पोजिशन चेंज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू शुड ऑल अंडरस्टूड वेल ऑल दीज टॉपिक्स एक्सप्लेन बाय मी टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।